नमस्कार दोस्तों डेली फाइव मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 17 अक्टूबर 2020 में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलने के लिए और सारे लेक्चर्स की पीडीएफ एक्सेस करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक नीचे प्रोवाइड किया हुआ है और चैनल के द्वारा बनाया गया स्पेशल वीडियोज देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेम्बर भी बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के तो चलते आज का पहला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर वन

एंड कल्चर के प्रमोशंस किया जाता है अब इसके थ्रू बहुत सारे फिनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा उन लोगों को जो आर्ट्स एंड कल्चर के फील्ड में काम करेगा देखो बहुत सारे हड्स से फंड्स मिलने के लिए फिनेंशियल असिस्टेंस मिलने के लिए उसमें तीन मेजर हेड्स मैंने इधर लिखा हूँ एक क्या है फिनेशियल असिस्टेंस फॉर द प्रजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चर हेरिटेज ऑफ हिमालयास अगर हिमालयास से रिलेटेड कोई प्रजर्वेशन वाली काम डेवलपमेंट वाली काम ये सब करना है तो या रिसर्च करना है स्टडीज करना है इसके लिए फंड्स मिल सकता है फिनेंशियल असिटेंस फॉर द प्रिजर्वेशन डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट टिबन ऑर्गेनाइजेशन देखो हमारी कल्चरल हिस्ट्री देखा जाएगा तो बुद्धिस्ट टिबटन जैन ये सब इंपॉर्टेंट है अगर आप बुद्धिस्ट और टिब्टन ऑर्गेनाइजेशन के प्रिजर्वेशन के लिए डेवलपमेंट के लिए कुछ करना चाह रहे हो उसके लिए भी फिनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा फिनेंशियलिय असिस्टेंस फॉर टागोर कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस मतलब रबींद्रनाथ टागोर की बात किया जा रहा है उनके भी रिलेटेड कोई स्टडीज करना है रिसर्च करना है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बेसिकली कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए भी फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा अब देखो दोस्तों न्यूज से आया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर परफॉर्मिंग आर्ट्स ब्यूरो इंप्लीमेंटेड वेरियस स्कीम्स अंडर इट्स कला संस्कृति विकास योजना अंडर द स्कीम ग्रांट्स आर अप्रूव फॉर होल्डिंग प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग राज ऑडियंस दोस्तों कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक की वजह से जो स्टेज आर्टिस्ट हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ था अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर परफॉर्मिंग आर्ट्स ब्यूरो क्या कर रहा है बहुत सारे स्कीम्स ऐसे ला रहा है जिससे ग्रांट्स प्रोवाइड किया जाएगा कलाकारों को प्रोग्राम्स होल्ड करने के लिए या कोई एक्टिविटीज होल्ड करने के लिए पर ये सब एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स जो है वर्चुअली होगा राइट कला संस्कृति विकास योजना इसे नामबल्ला स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन द कंट्री ए मैंने आपको बता दिया के एस वी वे हेज द फॉलोइंग सब स्कीम्स थ्रू विच फिनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू कल्चर ऑर्गेनाइजेशन तो बेसिकली जो स्कीम्स क्या क्या है फिनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए एक तो फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर ठीक है आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या चाहिए उसके लिए फिनेंशियल लाइसेंस मिलेगा फॉर क्रिएशन ऑफ कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली देखो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए अगर आपको कला को बढ़ानी है कला को इंप्रूवमेंट करना है तो इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए बिल्डिंग्स चाहिए रोड्स चाहिए ये सब भी तो चाहिए उसके लिए भी पैसे मिलेंगे स्कीम्स फॉर सेफ गार्डिंग द इन कल्चरल हेरिटेज देखो हमारी इंडिया की कल्चरल हेरिटेज के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है अब उसको सेफ गार्ड करने के लिए कोई प्लान से कोई स्कीम्स है अपने पास उसके लिए भी फिनेंशियल असिस्टेंस मिल जाएगा अब देखो कुछ हेड्स है इजेशन विध नेशनल प्रिजर्वेशन डेवलपमेंट ऑफ कल्चर मैंने आपको बता दिया ठीक है मतलब ये सब काम एग्जाम्पल्स है बेसिकली हिमालय की प्रिजर्वेशन के लिए कोई माइनॉरिटी जैसे रिलीजियस माइनॉरिटी जैसे बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस तो है बहुत तो उसके लिए भी दिया जाएगा टागोर कल्चर कॉम्प्लेक्स ये मैंने आपको बता दिया राइट दोस्तों तो हमारी तीनों स्टेटमेंट इधर सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर टू With रेफरेंस टू India's सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर all इन द region, सागर पॉलिसी विच आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा थ्री only। स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है इट इज which gives priority exclusively for the एक्सक्लूसिवली फॉर Bengal region। दोस्तों ये गलत है Indian Ocean रीजन होना चाहिए था राइट right? तो दोस्तों मिशन सागर सागर इज ए टर्म कॉइंडी इन टू थाउजेंड 2015 ज मोरिशस विजिट विथ ए फोकस ऑन द ब्लू इकोनॉमी तो सागर जो टैम है ये पीएम मोदी जी का देन है विद ए फोकस ऑन द ब्लू इकोनॉमी ब्लू इकोनॉमी क्या है दोस्तों ब्लू इकोनॉमी मतलब रिलेटेड टू ओशियस ओशियन इकोनॉमी बेसिकली दोस्तों हमारी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ओशियन रिसोर्सेज से अपना डेली इनकम देता है तो ब्लू इकोनॉमी मतलब यही है पर इसकी सस्टेनेबल यूज करो ऐसा नहीं अभी के लिए हम पूरा रिसोर्सेस निकाल दिए और अगले जनरेशन के लिए कुछ बचा के रखाए नहीं तो सस्टेनेबल यूज करके अपना डेली इनकम पाओ यह ब्लू इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव राइट इट इज ए मारेटीटिव प्रियोरिटी टू द इंडियन ओशन रीजन फॉर इंश्योरिंग पीस स्टेबिलिटी एंड ऑफ इंडिया इन द इंडियन ओशन रीजन देखो सागर क्या है एक इनिशिएटिव है इंडियन ओशन का प्रियोरिटी है फॉर इंश्योरिंग पीस स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया देखो इंडियन ओशन रीजन में शांति समाधान और प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए ठीक है ऐसा एक स्कीम लाया हुआ है सागर द गोल इज़ टू सीके क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल मरेटेम रूल्स एंड नॉम्स बाई ऑल कंट्रीज देखो एक ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी का क्लाइमेट बनाना है मतलब इंडियन ओशियन रीजन में जितने भी हम मरेटेम बाउंड्री जितने भी कंट्रीज हम शेयर कर रहे हैं ना उनके साथ एक ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए रेस्पेक्ट होना चाहिए इंटरनेशनल मरेटाइम रूल्स का बेसिकली एक एक कंट्रीज दूसरे कंट्रीज की मरेटेम बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट करना चाहिए और कुछ प्रॉब्लम बेसिकली नहीं करना चाहिए इट इज इन लाइन विद प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन देखो ये जो सागर है इसकी जो प्रिंसिपल इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो है उनसे लाइन में होना चाहिए अब रिम एसोसिएशन क्या है ये 1997 में एस्टैब्लिश हुआ था इन एबीन साइबर सिटी मॉरिशियस ठीक है फर्स्ट एस्टैब्लिश दस इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव इन मॉरिशियस ऑन मार्च 1995 एंड फॉर्मली इन 97 बाय द कंक्लूजन ऑफ ए मल्टी

ध्यान रखना इंडिया अपने किलो क्लास का एक सबमरीन म्यांमार को दिया है राइट right? तो हमारी स्टेटमेंट वन क्या था सागरी से टर्म कोइन कोई पीएम मोदी इन ड्यूरिंग हिज मॉरिशियस विजिट विद ए फोकस ऑन द ब्लू इकोमी बिल्कुल सही है इट इज इन लाइन विद प्रिंसिपल ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ए भी क्वेश्चन नंबर थ्री विथ रेस्पेक्ट टू ईट राइट इंडिया मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू ई राइट इंडिया मूवमेंट दोस्तों एक ऐसा मूवमेंट है जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ दोस्तों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फूड आइटम्स को सर्टिफाई करते हैं और एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं खाने में एक एक इंग्रेडिएंट्स कितना होना चाहिए तो इन्होंने ई ट्राइट इंडिया करके एक मूवमेंट लॉन्च किया था इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था एम्ड एट कटिंग डाउन द सॉल्ट शुगर एंड ऑयल कंसप्शन बाई थर्टी परसेंट इन थ्री ईयर्स ठीक है देखो दोस्तों सॉल्ट शुगर ऑयल ये सब हमारे खाने में मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं अब इसकी ज्यादा कंसप्शन अपनी हेल्थ के लिए खराब है तो इसकी कंसप्शन थर्टी परसेंट तक कम करने के लिए इनका प्रिस्क्रिप्शन है एंगेज एंड एबल सिटी टू इम्प्रूव देल बींग राइट फूड सही खाना खाने के लिए ठीक है मतलब हमारी सेहत को जो खराब है उसको मैक्सिमम अवॉइड करो मैसेज इन प्लेस एफ एस एस आई ने क्या क्या इसके लिए प्लेस रॉबस्ट रेगुलेटरी मैसेज अंडर थ्री मेजर पिल्ले ईट सेनेबली फॉर द प्रोग्राम ठीक है ये तीन इनका मेजर पिल्लर है इसी में काम करते हैं इट सेफ इट हेल्थ एंड ईट सस्टेनेबली एफ एस एस आई हैज प्रिस्क्रेब्ड ए लिमिट ऑफ टोटल पोलर कॉम्पाउंड्स है ट्वेंटी फाइव परसेंट देखो हमारी कुकिंग ऑइल में जो टोटल पोलर कॉम्पाउंड्स है ये ट्वेंटी फाइव परसेंट ही होना चाहिए करके इनका प्रिस्क्रिप्शन है अब टोटल पोलर कॉम्पाउंडस क्या है देखो दोस्तों टोटल पोलर कॉम्पाउंड्स क्या है इट इज़ ए वाइडली एक्सेप्टेड पैरामीटर टू डिसाइड वेदर दिल सेफ और फर्दर यूज और नोट इतना ही जानिए आप टोटल पोलर कॉम्पाउंड्स जो है ना उसकी जो प्रेसेंस है अगर ऑयल में ट्वेंटी फाइव परसेंट से ज़्यादा है यह हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ठीक है तो ए भी एफ एस एस आई ने प्रिस्क्राइब किया है तो हमारी दोनों स्टेटमेंट सही है क्वेश्चन नंबर फोर विध रेस्पेक्ट टू द रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन कंसिडर दॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी वन एंड थ्री ओनली स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है द रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ हजार्डस मटेरियल्स विल बी अप्लाइड टू वारिप्स एंड नॉन कमर्शियल शिप्स ऑपरेटेड बाई गवर्नमेंट दोस्तों वारशिप्स के लिए ये जो रिस्ट्रिक्शन है ना अप्लीकेबल नहीं होगा क्यों क्योंकि वारशिप में हजार मेटीरियल तो होगा ही क्योंकि मिसाइल्स रहते हैं गन्स रहते हैं बॉम्बस रहते हैं डेप चार्जेस रहते हैं तो वारशिप्स के लिए ये अप्लीकेबल नहीं होगा ये जो रिसाइकिलिंग ऑफ शिप्स है जो क्लोजेस लिखा हुआ है बाकी जितने भी कॉमर्शियल शिप्स हैं ना वो सबके लिए अप्लीकेबल है राइट right? अब देखते हैं गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग एज नेशनल अथॉरिटी फॉर रीसाइकलिंग ऑफ शिप्स अब सबसे पहले समझते हैं रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स क्या है दोस्तों देखो दोस्तों एक शिप्स जब कमीशन होता है इसके बाद बहुत साल ये ऑपरेशन में रहता है इसके बाद जब इसकी लाइफ खत्म हो जाता है इसको पूरा तोड़ देते हैं बेसिकली इसको रिसाइकिल करना पड़ता है ये बहुत बड़ा एक वेस्ट बन जाएगा तो इसको रिसाइकिल करते हैं कैसे इसको पूरा डिस्मांडल करके स्क्रैप बन जाता है स्क्रैप बनाता है वो स्क्रैप जो है दूसरे कुछ चीज़ों में यूज़ करते हैं इसको बोलते हैं रिसाइकिलिंग राइट right. तो गवर्नमेंट में गवर्नमेंट ने अभी हैज नोटिफाइड द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग जो डीजी शिपिंग होता है ना उनको जो रिसाइक्लिंग ऑफ शिप्स जो करते हैं ना उसका नेशनल अथॉरिटी बना दिया ये न्यूज आया था अब शिप्स रिसाइक्लिंग एक्ट टू के बारे में ये एक्ट केम इंडो फोर्स डिसंबर थर्टीन टू थाउजेंड नाइनटीन दिस एक्ट वॉज ब्रिंग इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द रिलेशन टू द रिसाइक्लिंग ऑफ शिप्स बाई सेटिंग सर्टन इंटरनेशनल स्टैंडर्स देखो ships के रिसाइकिलिंग को होता है रिसेंटली एक न्यूज आया था आई विराट जो इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर थे उसको अलांक करके एक शिपयार्ड है बेसिकली एक डिसमेंटलिंग यूनिट है गुजरात में उधर डिसमेंटलिंग के लिए स्क्रैप बनाने के लिए लेके गया ठीक है तो ये न्यूज आया था दिस एक्ट वॉज ब्रिंग इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द रेगुलेशन अब जो रिसाइकलिंग करते ना उसमें कुछ रेगुलेशन लाने के लिए कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने के लिए ये शिप्स रिसाइकलिंग एक्ट टू लाया गया इट ऑल्सो सीक्स टू ले डाउन द स्टैटुएटरी मेकानिजम एनफोर्समेंट ऑफ सच स्टैंडर्ड्स बिफोर दै गर्मेंट ऑफ इंडिया अग्री टू द हॉन्गकॉन्ग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ एंड एनवायमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑर्शिप्स देखो दोस्तों एक हॉन्गकॉन्ग इंटरनेशनल कन्वेंशन है फॉर सेफ एंड एनवायमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑर्शिप्स इसके साथ ठीक है इसकी जो स्टैंडर्ड्स हम यूज करते थे

However, this restriction of use of hazardous materials will नॉट be applied टू warships. ठीक है एंड नॉन कॉमर्शियल शिप्स ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट देखो नॉन कॉमर्शियल शिप्स भी और अपनी जो इंडियन नेवी के वारशिप या कोस्ट गार्ड के वारशिप्स ये सब में ये अपलिकेबल नहीं होगा उसमें हजारस मेटीरियल यूज कर सकते हैं शिप्स विल बी सर्वेड एंड सर्टिफाइड ऑन द इन्वेंट्री ऑफ हजारस मेटीरियल यूज इन शिप्स देखो इसको ठीक से सर्वे हो, हो जाएगा अंडर द लेजिस्लेशन शिप्स रिसाइकलिंग फैसिलिटीज आर रिक्वेड भी ऑथोराइज एंड ओनली ऑथराइज शिप रीसाइकलिंग फैसिलिटीज वुड भी रिसाइकलिंग द शिप्स देखो शिप्स को जो रिसाइकिल करते हैं ना जो डिसमांडल करके मैंने जो बोला था आपको स्क्रैप बनाता है ये वही यूनिट करेंगे जो ऑथोराइज है जो नेशनल जो ऑथोरिटी है उसको डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग है वो जो ऑथोराइज करेगा जिस यूनर को वही काम कर सकता है एक्ट स्टेट दैट शिप्स मस्ट बी रिसाइकिल्ड इन अकॉर्डेंस विद ए शिप स्पेसिफिक रिसाइकलिंग प्लान

थेलेमिया इज ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर टू बिकम मिसह हैप एन एंड ब्रेक डाउन ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना दोस्तों ये थलेसेमिया के बारे में नहीं है ये है सिक्किल सेलेनेमिया जिसमें रेड ब्लड सेल्स एक सिक्किल जैसा बन जाता है और बाद में ब्रेक डाउन हो जाता है राइट right, दोस्तों देखते हैं थलेसेमिया क्या है इट इज ए जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर जेनेटिक मतलब एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन जेनेटिक्स ब्लड डिसऑर्डर है दैट कोसेज बॉडी टू हैव लेस हीमोग्लोबिन दैन नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन कैरी करने के लिए हेल्प करते हैं अब यह ही इनहेरिटेड म्यूटेशन इन द बीटाग्लोबिन जीन दैट्सिन रेड ब्लड सेल्स बिकम हार्ड एंड स्टिकी एंड लुक लाइक ए सी शेप फार्मिक बोला आपको सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है इसमें जो रेड ब्लड सेल्स है वो सी शेप्ड मतलब सिक्कल जैसा हो जाता है जो हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं ना जब कल्टीवेट करते हैं उसमें काटने के लिए यूज़ करते हैं सिक्कल उसके जैसा हो जाता इस, है इसको इसलिए इसको सिक्कल सेल डिसीज बोलते हैं सिकल सेल्स डाई एयरली विच कॉस ए कॉन्स्टेंट शॉर्टेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स तो बेसिकली सिक्किल सेल सिक्कल जैसा जब रेड ब्लड सेल्स हो जाता है वो बहुत जल्दी मर जाता है जो सेल्स से, है तो रेड ब्लड सेल का शॉर्टेज हो जाएगा तो इसको सिकल सेल अनिमिया भी बोलता है थैलेसीमिया बाल सेवा योजना इट एम्स टू प्रोवाइड ए वन टाइम क्योर ऑपॉर्चुनिटी फॉर हीमोग्लोबिनोपैथीज लाइक थैलेसीमिया एंड सिकल सेल डिजीज फॉर पेशेंट्स हु आर ए मैच्ड फैमिली डोनर तो दोस्तों थैलेसीमिया बाल सेवा योजना क्या है एक वन टाइम क्योर ऑपरचुनिटी है गवर्नमेंट की तरफ से ठीक है हीमोग्लोबिनोपैथीज मतलब जितने भी ब्लड डिसऑर्डर्स है ना दोस्तों इसको हीमोग्लोबिनोपैथीज बोलते हैं लाइक सिकल सेल डिसीज ये सब के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम है थलेसेविया बाल सेवा योजना ओनली पेशेंट्स हुज मंथली फैमिली इनकम इज बिलो ट्वेंटी थाउजेंड विल बी एलिजिबल फॉर दिस असिस्टेंस ठीक है बीस हजार से जो फैमिली इनकम जिसका है वही इसके लिए एलिजिबल है स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू कवर अ प्लास्टिक अनीमिया पेशेंट्स मतलब लैक ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन इन बॉडी देखो जितने भी हीमोग्लोबनो डिसऑर्डर्स है ना मेनली सिकल सेल एनीमिया एंडलास्टिक एनीमिया पेशेंट्स ये तीनों के लिए जो थेमिया बाल सेव्य योजना अपलीकेबल है कहीं हाँ पूछेगा तो यह बता देना आप लोग एग्जामिनेशन में राइट right. तो हमारी स्टेटमेंट टू क्या कर रहे हैं थलसेमिया बाल सेवा योजना एम्स टू तो प्रोवाइड ए वन टाइम क्योर ऑपरचुनिटी फॉर हीमोग डोनर बिल्कुल सही है ओडली पेशेंट्स हु फैमिली इनकम इज बिलो ट्वेंटी थाउजेंड विल बी एलिजिबल फॉर दिस भी सही है राइट right, दोस्तों तो दोस्तों हमारे पांच क्वेश्चन सही थे ये कल का क्वेश्चन था आंसर इस ऑप्शन डी दी, याद तो चलते आज के क्वेश्चन में दिस इज टूडे क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा तो दोस्तों हमारी डेली फाइव मॉक क्वेश्चन फॉर फिल्म खत्म हो रहा है उम्मीद है आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा इस पीपीटी की भी पी आपको शाम तक टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा व्यूज़ बहुत कम आ रहा है दोस्तों मैक्सिमम शेयर कीजिएगा वीडियोज़ को तो थैंक यू फॉर वॉचिंग